हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, राजीव भवन में महिला कांग्रेस की बैठक जारी है। महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता डिसूजा ले रही हैं बैठक। बैठक में राज्यसभा सदस्य फूलो देवी नेताम भी मौजूद हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस बैठक में शामिल हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त, रायपुर से राजीव भवन में महिला कांग्रेस की बैठक हो रही है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता डिसूजा ये बैठक ले रही हैं। राजेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश, अपडेट दें इस बैठक को लेकर अब तक का। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नेता डिसूजा, वो राजीव भवन पहुंची हैं। यहाँ पर परंपरागत ढंग से उनका भव्य स्वागत किया गया, आतिशबाजी से स्वागत किया गया। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आरती उतारी, उनकी शंखनाद किया, ढोल धमाके आतिशबाजी से स्वागत किया और काफी उत्साह नजर आ रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के जब यहाँ पहुंची उसको लेकर। और उसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है एक मीटिंग भी महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ले रही है, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष जो है और राज्यसभा सदस्य कुलो देवी नेताम वो भी इस बैठक में उपस्थित है। और काफी महत्वपूर्ण बैठक इसलिए मानी जा रही है क्योंकि भारतीय जनता चला है कि कांग्रेस की जो है वो महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में एक बड़ा आंदोलन शुरू करने वाली है और महिलाओं को इसकी जिम्मेदारी आज की इस बैठक में मिलेगी, ऐसी जानकारी मिली। इसके अलावा जो खैरागढ़ उपचुनाव है उसमें कांग्रेस ने जो महिला प्रत्याशी उतारा है यशोदा वर्मा का, उसको लेकर भी महिला कार्यकर्ता और पदाधिकारी कांग्रेस काफी खुश है, काफी उत्साहित है। तो आज इस बैठक में जो प्रदेश केंद्र सरकार के खिलाफ जो प्रदेश भर में महंगाई को लेकर आंदोलन शुरू होने वाला है उसकी जिम्मेदारी यहां पर दी जाएगी, उसको रणनीति बनेगी। खैरागढ़ उपचुनाव में महिला कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, तो टीम बनाकर वहां पर जाकर प्रचार प्रसार करेंगी, उसके लिए भी कुछ कार्यक्रम तय होगा। और इसके अलावा ये भी जब हमारी नेता डिसूजा से बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर भूपेश बघेल जो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं उन्होंने लाई है, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को मिलेगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो कांग्रेस भवन में जो बैठक चल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में, वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चलिए, नजर बनाए रखिएगा राजेश, अपडेट हम आपसे आगे भी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।